तो निवाड़ी के मासूम प्रहलाद के लिए दुआओं का दौर जारी है। बच्चे का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रेस्क्यू वाली जगह पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी सामान भी पर्याप्त है। मुख्यमंत्री शिवराज भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रहलाद सकुशल और स्वस्थ बाहर आए। तो कल से बच्चा जो है वो बोरवेल में फंसा हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कल भी ट्वीट करके बच्चे के लिए दुआ की थी और साथ ही प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा था। आज गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार जो मॉनिटरिंग है वो खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सारी जरूरत की जो चीजें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन इस घटना पर पूरी नजर बनाए हुए है। बच्चे को लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जो है लगभग 49 फीट गहराई पर है। 42 फुट की अभी खुदाई प्रशासन ने 45 फुट की खुदाई कर ली है। प्रशासन पूरी रात वहां रहा है, खुदाई भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे देश में दुआएं हो रही हैं, हम सब भी दुआएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंचाए हुए हैं। थोड़े समय और लगने की उम्मीद है बाकी की खुदाई में। ईश्वर से प्रार्थना है कि सकुशल और स्वस्थ बाहर आ जाए।